तो दोस्तों हमारी इस बार वीडियो थोड़ी सी लेट है, थोड़ी सी क्या, इस बार हमारी वीडियो जो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। तो दोस्तों अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वीडियोस जल्दी जल्दी लेकर आए। तो दोस्तों जो आज की ये वीडियो है ये हमारी 30x50 फीट की है और ये नॉर्थ फेसिंग है, ये आप लोगों को पता होगा जो हमारी वीडियोज रेगुलर देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने ईस्ट और वेस्ट फेसिंग की वीडियोज अपलोड कर दी है और इसके बाद हमारी वीडियो साउथ फेसिंग की आएगी 30x50 की, और उससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोज 30x50, 30x60 की ना बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए, आपको वहां पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस हाउस प्लान की डिटेल्स चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर एक बार उनको चेक कर सकते हैं। और जो ये हाउस प्लान है अगर आपको अच्छा लगे तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप इस हाउस प्लान को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या तो दोस्तों आप इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं, आपको हाउस के फ्रंट में एक छोटा सा आपको यहां पर पॉकेट गार्डन देखने को मिल जाएगा जो आपके हाउस के लिए अच्छी बात है। और इसी के साथ आपको हाउस का यहां पर एक पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसका साइज आपका 11x17 और 9 इंच का रहेगा, अप्रोक्स आप इसको 18 फिट ही मानिए। तो इसके बाद दोस्तों आप इस ड्रॉइंग रूम को देख सकते हैं, इसकी जो एंट्रेंस है वो आपको यहां पर अलग से देखने को मिल जाएगी जो आपकी हाउस की प्राइवेसी के लिए एक अच्छी बात है। और इसका साइज आपका 11.5x13 फिट का रहेगा और बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू आप यहां पर देख सकते हैं। तो इससे आगे आपको जो हाउस की मेन एंट्रेंस है वो हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के लिविंग एरिया में एंट्रेंस लेते हैं। आप यहां पर लिविंग एरिया का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और इसका साइज आपका 16x9x12 फिट का रहेगा जो आपको यहां पर एक अच्छा साइज देखने को मिल जाता है और इसकी हाइट आपको यहां पर ड्यूप्लेक्स देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके आगे चलिए, आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर हाउस में हैंड वॉश के लिए अलग से आपको यहां पर एक वैनिटी देखने को मिल जाएगी, आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। और इससे आगे चले तो आपको यहां पर हाउस का ये कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाता है जिसका साइज आपका 5x9 फिट का रहेगा। आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ पर अच्छे साइजेस जो हैं हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हाउस का ये डाइनिंग एरिया, हमने आपको यहाँ पर अलग से डाइनिंग एरिया दिया है, इसका साइज़ आपका 11x12 फिट का रहेगा। आप देख सकते हैं सामने आपका यहाँ पर एक आपको मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ देख सकते हैं आपका ईशान कोण में आपको हमने यहाँ पर एक पूजा रूम भी प्रोवाइड करवा दिया है, इसका साइज आपका 5x6x5x3 इंच का रहेगा जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के किचन एरिया की तरफ चलते हैं और हमारे इस किचन का साइज 11x12 फिट का है। आप देख सकते हैं अच्छी आपको यहां पर किचन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जहां तक इंटीरियर की बात है, इंटीरियर आप अपनी इच्छा से यहां पर डिजाइन करवा सकते हैं। ये चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं, इसका साइज भी 11.5x13 फिट का रहेगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर
अच्छा इंटीरियर देखने को मिल जाता है, सामने अच्छी आपको यहाँ पर एक वार्डरोब देखने को मिल जाती है और आपको इसी रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। साइज़ आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे, आप देखते रहिए। और उसके बाद आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा। इसका साइज़ 5x8 फिट का है और इसकी जो वेंटिलेशन है वो हाउस के बैक साइड एरिया में होगी। और दोस्तों इसी के साथ हम हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर अप करते ही आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। इसका साइज़ आपका 11x13 फिट का रहेगा। अच्छी आपको यहाँ पर वार्डरोब और अटैच बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इस हाउस की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हर एक रूम के साथ आपको अटैच बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सिर्फ एक रूम को छोड़ के। दोस्तों हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको हैंड वॉश के लिए यहाँ पर वैनिटी देखने को मिल जाएगी। और इससे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर हाउस का जो कॉमन टॉयलेट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका साइज़ 5x9 फिट का रहेगा, सेम आपके ग्राउंड फ्लोर की तरह। तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के जो हमारा थर्ड बेडरूम है उसकी तरफ चलते हैं। और इसका साइज़ आपका 11x13 फिट का है। आपको यहाँ पर अच्छा साइज़ देखने को मिल जाता है, एक साइड में वार्डरोब, सामने टीवी पैनल और आपको इसके साथ अटैच बालकनी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस का फोर्थ बेडरूम भी हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। इसका साइज़ 11x12 फिट का रहेगा और अच्छी बात ये है कि आपको इस बेडरूम के साथ पीछे एक अच्छा सा आपको यहां पर टेरेस देखने को मिल जाएगा, आप इसको बालकनी भी बोल सकते हैं। तो ये चलिए इसके बाद हाउस के फिफ्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। इसका साइज़ भी हमारा 11x13 फिट का रहेगा। आपको अच्छा स्पेसियस रूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सामने वार्डरोब। और दोस्तों जो हमारा ये रूम है इसके साथ भी आपको अच्छी बात ये है कि आपको इस रूम के साथ भी अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो आप इस वीडियो में आगे आराम से देख सकते हैं। तो आइए चलिए इसके बाद हम हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलते हैं। बाकी आप इसका स्टेयर एरिया देख सकते हैं और जो ओवरऑल इसका व्यू है, जो हमारी हाउस की ममटी है, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर हमने यहाँ पर एक शैंडलियर दिया है। तो आइए इसके बाद आगे बढ़िए, आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का टेरेस एरिया। आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पर एक अच्छा गार्डन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ हमने बैक साइड में यहाँ पर वुडन का एक डेक दिया है और वहाँ पर अच्छा हमने एक सिटिंग का इंतज़ाम भी किया है, जो आपका यहाँ पर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। अगर आपको इस हाउस का हाउस प्लान डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जो हमारी इसी साइज़ की होगी और साउथ फेसिंग होगी। नमस्कार।